अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ना है, वहाँ से हम पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड पी इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल जीरो। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे सॉल्यूशन में, लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस वन बी द रूट्स, रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सम लेंगे, द सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स हमारे पास बनेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस वन इक्वल होगा ये माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो बनेगा टू अल्फ़ा माइनस वन माइनस बी की वैल्यू हमने पुट करनी है। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। ए हमारे पास है वन, बी इक्वल है माइनस वन और सी इक्वल है पी स्क्वायर। तो यहाँ से b की वैल्यू माइनस वन हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये बनेगा माइनस वन डिवाइडेड बाय वन, तो ये हमारे पास आएगा वन। तो टू अल्फ़ा माइनस वन इक्वल वन, यहाँ से माइनस वन राइट साइड पे शिफ्ट होने पे ये प्लस में कन्वर्ट होगा, वन प्लस वन इक्वल टू। यहाँ पे अल्फ़ा के साथ टू जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करने पे ये डिवाइड होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 1। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इक्वल सी डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 आएगा, c की वैल्यू हमारे पास है पी स्क्वायर, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 और ये इक्वल आएगा पी स्क्वायर के। अब यहाँ पे अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू निकली थी 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा की, ये बनेगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल पी स्क्वायर, 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल पी स्क्वायर। 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 आएगा, ज़ीरो के साथ जब हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो बनेगा। हमें चाहिए पी की वैल्यू, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल होगा ज़ीरो स्क्वायर रूट, ज़ीरो इसका आंसर आएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटने पे पी की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो निकलेगी। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हम करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है हमारे पास, हमने फाइंड करना है एम, एम हम फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास है इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल 0 और हमारे पास एक और इक्वेशन गिवन है 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल 4। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है वहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ए इक्वल होगा 1, बी इक्वल होगा 7 और सी इक्वल होगा 3m माइनस 5। तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस पी डिवाइडेड बाय ए।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा हमारे पास माइनस सेवन डिवाइडेड बाय वन, तो ये बना हमारे पास माइनस सेवन। यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा से अल्फ़ा की या बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस सेवन। अगर मैं बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो ये बनेगा माइनस सेवन, अल्फ़ा राइट साइड पर शिफ्ट होने पर माइनस में कन्वर्ट होगा, तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू निकली है जिसकी मुझे नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा इक्वल सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू मेरे पास बनती है 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये बनेगा अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल 3m माइनस 5। तो अगर मैं यहाँ पे बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है पुट करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ से वैल्यूज निकलेंगी, पुट अल्फ़ा सॉरी बीटा इक्वल माइनस अल्फा माइनस सेवन इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन है मेरे पास 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल 4, तो यहाँ पे मैं बीटा की वैल्यू पुट करूँगी 3 अल्फ़ा माइनस 2 इंटू माइनस अल्फ़ा माइनस 7 इक्वल 4। यहाँ से बनेगा 3 अल्फ़ा, माइनस का साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने पे प्लस में कन्वर्ट होगा, 2 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल 4। तो यहाँ से 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा को ऐड करें तो बनता है 5 अल्फ़ा। 14 को मैं दूसरे साइड पर शिफ्ट करती हूँ तो ये मेरे पास बनेगा माइनस का, ये हमारे पास बनेगा माइनस 10। अल्फ़ा के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पर शिफ्ट होने पे ये डिवाइड होगा, तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकलती है माइनस 2। यहाँ से अब मैंने अल्फ़ा की वैल्यू पुट की है, अब मैं बीटा इक्वल माइनस अल्फ़ा माइनस 7 में अल्फ़ा की वैल्यू अगर पुट करूँगी तो मेरे पास बीटा का आंसर भी निकल आएगा, बीटा इज़ इक्वल माइनस अल्फ़ा माइनस 7। माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस 2, माइनस 7 माइनस माइनस बनेगा प्लस 2 माइनस 7, तो बीटा की वैल्यू निकलेगी माइनस 5। मेरे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में 3m माइनस 5 की जो इक्वल है इसमें अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करूँगी तो मेरे पास m की वैल्यू निकल आएगी, पुट अल्फ़ा इक्वल माइनस 2 एंड बीटा इक्वल है माइनस 5 इन इक्वेशन 2। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अल्फ़ा बीटा इक्वल है 3m माइनस 5, अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास माइनस 2, बीटा की वैल्यू है माइनस 5 इक्वल 3m माइनस 5। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास m की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस बनेगा, 5 2 10 10 इक्वल 3m माइनस 5। ये माइनस 5 राइट साइड पे माइनस में है तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने पे ये प्लस में कन्वर्ट होगा, ये बनेगा 15। m के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको मैं लेफ्ट साइड पे लाऊंगी तो शिफ्ट करूंगी, शिफ्ट करने पे ये डिवाइड में कन्वर्ट होगा, 15 को 3 पे डिवाइड किया तो 5 मेरे पास m का आंसर आएगा। इसी तरह करूंगी मैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, इसमें मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 4x का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5m इंटू एक्स माइनस 9m माइनस 17 इक्वल 0।
लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड एम इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। तो यहाँ पे जो हम सम फाइंड करेंगे या प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे रूट्स का, तो वो दोनों इक्वल होंगे लैम्डा के। मीन टू से बाय यूजिंग गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो यहाँ से सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे। ए मेरे पास बनता है 4, बी बनेगा -3 + 5m, और सी की वैल्यू निकलती है -9m - 17। यहाँ से मैं सी की वैल्यू के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करूँगी, ये बनेगा -9m -17। तो यहाँ से अब मैं सम और प्रोडक्ट फाइंड करूँगी रूट्स का। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a -(3 + 5m)/4। तो ये मेरे पास माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होने पे प्लस में कन्वर्ट होगा। तो ये मेरे पास सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बनेगा 3 + 5m/4। और अगर हम क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दी गई है उसको यूज़ करते हैं तो ये इक्वल निकलेगा लैम्डा के। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल c/a। तो c मेरे पास गिवन है -9m + 17/4। तो ये भी इक्वल हमारे पास होगा लैम्डा के, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों लैम्डा के इक्वल होंगे। तो यहाँ से कंडीशन हम क्वेश्चन की यूज़ करेंगे बाय यूजिंग गिवन कंडीशन कंडीशन हमें क्या गिवन थी, सम ऑफ रूट्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के। क्योंकि ये दोनों लैम्डा के इक्वल है तो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास है 3 + 5m/4 और ये इक्वल होगा -9m + 17/4। यहाँ से दोनों 4 एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि अगर मैं इस 4 को यहाँ जो डिवाइड हो रहा है दूसरे साइड पर शिफ्ट करती हूँ तो ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में आने पे ये नीचे डिवीज़न के साथ कट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इनको डायरेक्ट काट देते हैं। तो ये बनेगा 3 + 5m = -9m + 17। m की दोनों वैल्यूज़ दोनों टर्म्स को हम एक साइड पर ले आएंगे, 5m यहाँ पे -9m है, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होने पे +9m में कन्वर्ट हुआ। 17 ये लेफ्ट साइड पे +3 है, राइट साइड पे शिफ्ट होने पे ये -3 में कन्वर्ट हुआ। तो ये बनेगा 14m और यहाँ से भी आएगा 14, m के साथ 14 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे शिफ्ट करने पे डिवाइड हो जाएगा। 14 को 14 से कट किया तो हमारे पास m की वैल्यू निकलती है 1। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। 2.4 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।